नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। बीदर के अनुदानित स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। चिरगुप्पा के उद्बल ग्राम में बाइक की टक्कर से एक की मौत। अधिकारियों ने अपनी आय से 400% अधिक संपत्ति अर्जित की, ACB। धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 116 और कोविड सकारात्मक। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, लपेटे में लालू यादव भी आए। किसान आंदोलन का एक साल, अरविंद केजरीवाल बोले, किसानों ने हमें सिखाया कि धैर्य के साथ कैसे लड़ना है। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों के साथ। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इस तरह शहर के अनुदानित उमर हाशमी स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल आदि चढ़ाए गए। इस स्कूल में विद्यार्थियों को संविधान के संबंध में शिक्षकों ने जानकारी दी। चिरगुप्पा के उद्बल में दो बाइक आमने सामने टकराने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त 40 वर्षीय वैजनाथ शंकरप्पा के रूप में हुई है। एक अन्य 25 वर्षीय जगन्नाथ को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कृषि संयुक्त निदेशक रुद्रेशप्पा TS और PWD के कनिष्ठ अभियंता शांतागौड़ बिरादार के परिसरों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के छापे से पता चला है कि दोनों अधिकारियों ने अपनी ज्ञात आय से 400% अधिक संपत्ति अर्जित की थी। बुधवार को शहर के चालुक्य नगर और गदक में रुद्रेशप्पा के परिसरों पर छापेमारी करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास 6.65 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो उनकी आय से ज्ञात स्रोतों से 400% अधिक है। दक्षिण कन्नड़ में जिला कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर रत्नाकर को शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र केवी ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय जांच शुरू कर दी है और जिले के आयुष्मान नोडल अधिकारी रत्नाकर को 8 नवंबर से निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि धारवाड़ के सत्तूर में SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के 182 छात्रों ने अब तक COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जिनमें 66 छात्र शामिल हैं, जिन्होंने गुरुवार को सकारात्मक परीक्षण किया था। उपायुक्त निदेशक पाटिल ने बताया कि प्रशासन ने गुरुवार को RT-PCR और RT परीक्षण तेज कर दिया, जिसमें 690 छात्रों और कर्मचारियों के स्वैब लिए गए, जिनमें से 116 ने सकारात्मक परीक्षण किया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन था। अपने संबोधन में राजनीति में परिवारवाद के सहारे कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां और लालू यादव का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है।
संविधान की एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। छपरा मौना पंचायत ग्राम पंचायत राजमौना भाग 5 के भावी मुखिया उम्मीदवार मंजू देवी पति मुद्रिका लाल महती ने कहा आदर्श पंचायत बनाएंगे। निर्वर्तमान मुखिया मंजू देवी ने कहा कि अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है और जनता का अपार समर्थन मिला है। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। छपरा नगरा प्रखंड के नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को राजद के संभावित विधान परिषद उम्मीदवार सुधांशु रंजन ने किया सम्मानित। कहा पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और लड़ाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुधांशु रंजन ने कहा कि जिले के जितने भी नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से मिले हैं सभी में बदलाव की ललक है। इस बार युवा व पढ़े लिखे प्रतिनिधि ज्यादा जीत कर आए हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली है। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें गुजरात कैंडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश के किसानों ने हम सभी को यहां सिखाया है कि धैर्य के साथ अधिकार के लिए कैसे लड़ना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा आज किसान आंदोलनों को पूरा एक साल हो गया है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी सर्दी बरसात तूफान के साथ अनेक साजिशों का भी सामना किया है। देश के किसान ने हम सबको सिखा दिया है कि धैर्य के साथ हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। किसान भाइयों के हौसले साहस जज्बे और बलिदान को मैं सलाम करता हूँ। आज यानी 26 नवंबर को मुंबई के ताज होटल पर हुए हमले को 13 साल हो गए हैं। हमले को इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जख्म भरे नहीं है। इस हमले की कड़वी यादें आज भी सभी के जहन में है। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के खिलाफ NSG के तत्कालीन प्रमुख ज्योति कृष्ण दत्त ने संभाली थी। बेहद कम जानकारियों के साथ वे अपनी टीम के साथ आतंकियों से भिड़ गए थे। इस हमले में अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद भी उनका ऑपरेशन जारी रहा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट B.1.1.529 के सामने आने के बाद दुनिया भर में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। सभी देश इस पर चिंता जता रहे हैं। यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने कहा कि COVID-19 के एक नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए दक्षिणी अफ्रीका से आने वाली हवाई यात्रियों पर संघ रोक लगाना चाहता है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने एक वक्तव्य में कहा कि वह सदस्य देशों के साथ करीबी समन्वय से दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र से आने वाले हवाई यात्रियों को रोक लगाने के लिए आपातकालीन रोक लगाने का प्रस्ताव देती हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसे वैज्ञानिकों ने चिंता का सबब बताया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अनुपमा, अनुज की हरकतों पर अनुपमा को आया प्यार, लंच डेट में आएगा ट्विस्ट। खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट, टॉम लॉथ और विल यंग की जोड़ी ने न्यूजीलैंड को दी ठोस शुरुआत, स्कोर 100 के पार। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। LPG पर मिलने वाली सब्सिडी अब फिर से शुरू हो गई है। घरेलू गैस पर सब्सिडी पिछले कई महीनों से उपभोक्ताओं के खातों में नहीं आ रही थी, लेकिन अब ग्राहकों के खातों में 79.26 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में आने लगे हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के अनुदानित स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। चिटगुप्पा के उद्बल ग्राम में बाइक की टक्कर से एक की मौत। अधिकारियों ने अपनी आय से 400% अधिक संपत्ति अर्जित की, ACB। धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 116 और कोविड सकारात्मक। संविधान दिवस के मौके पर PM मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, लपेटे में लालू यादव भी आए। किसान आंदोलन का एक साल, अरविंद केजरीवाल बोले किसानों ने हमें सिखाया कि धैर्य के साथ कैसे लड़ना है। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।